अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ आगरा, और आई नो दैट कि मैं पिछले साल भी गई थी। टाटा कर दो नानी, ऐसा बोलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम निकल चुके थे और हमने एक कैब बुक किया था, तो नानी और नाना वहाँ से अपने घर चले गए थे और हम जा रहे हैं CST, जिसे कहा जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन थी वो 7:30 की थी। तो ये है बुगी बुगी होटल, तो हम जा रहे हैं बुगी बुगी होटल। बुगी बुगी अंदर बैठ के खाते हैं। इसके लिए पिज्जा मंगा लो, यहाँ पे हमने चाय मंगाया है। और बुगी बुगी होटल जो है वो एक ट्रेन का होटल बनाया गया है जो CST स्टेशन पे है, और यहाँ पे प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल है खाने के। पियो। कितने आवाज़। तो फिर हमने मंगाया था पिज़्ज़ा जो काफ़ी डिलीशियस था, और इसका प्राइस जो था अराउंड 300 to 350 रुपीज़ था, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल आई गेस, और टेस्टी भी था, सो इट्स वर्थी। एंड बाहर से इसका सीन जो था ना वो इट वॉज ऑसम। तो चलिए हम जा रहे हैं, बिकॉज़ हमारी जो ट्रेन थी वो आ चुकी थी। ट्रैवलिंग विद ट्रेन वॉज सो अफोर्डेबल, अगर आप लोग को एक से ज़्यादा जगह जानी होती है, तो हमें तो एक से ज़्यादा जगह जानी थी, इस वजह से हमने ट्रैवल किया था ट्रेन से, एंड वो जर्नी भी ऑसम ही होती है। और गाइज, हम पहुंच चुके हैं आगरा, और यहाँ पर आप लोग को ऑटो ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो आप लोग को होटल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। ये जो होटल है इसका नाम है एवेन्यू, ये काफ़ी अच्छा होटल है। इसकी जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है हमेशा होटल्स की, तो यहाँ पर लोकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा था। बाहर निकलो तो मार्केट्स वगैरह है और रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आई टोटली लव दिस होटल। और इसमें प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है, हमने एक बड़ा रूम लिया था तो उसका हमें पे करना पड़ा था 1800 रुपीज़ पर डे, तो इट वॉज अफोर्डेबल। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो और रह सकते हो। मेन होटल्स में ये होता है कि लोकेशन वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो है खाने वगैरह की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, विशाल मार्ट है और बहुत सारे मार्केट स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा घूमने, बिकॉज टाइम हो रहा था 8 या 9, और हम आ चुके हैं चाचा द ढाबा के उसमें। तो ये काफ़ी छोटा होटल है, बट गाइस ये बहुत ही हाईली सजेस्टेबल होटल है। आप लोग कभी भी आगरा आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर खाने थे। फ़िश टिक्का था जो 100 रुपीज़ का था, और वो भी हाफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। देन हमने मंगाया था चिकन जो बहुत ही ज़्यादा लजीज था, आई मीन आई टोटली लव इट, ये वाला जो चिकन था। उसके बाद हमने मंगाया था बिरयानी जो कि पुलाव जैसी थी, बट या इट्स ओके। तो चाचा का ढाबा जो है वो एवेन्यू होटल के बाजू में ही है, और इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो जिन्हें नॉन वेज खाना है तो वो ज़रूर आए और ट्राई करें। तो यहाँ पर सारी जो रेस्टोरेंट्स है ये आप लोग को दिख रही है, इसके बाजू में ही एवेन्यू होटल था जो जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। तो गाइज़ ये है कुछ लोकेशन जो मैं आप लोग को दिखा दूँ। उसके बाद हमने लिया था आइसक्रीम एज अ डेजर्ट, खाने के बाद कुछ मीठा तो होता ही है ना, तो इस वजह से हमने आइसक्रीम खा रही हूँ। और इसके बाद हम थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, बिकॉज़ ये वाला जो एरिया था ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे। बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी क्योंकि दिवाली ओकेशन चल रहा था। और फिर हम जा रहे हैं अभी सदर बाज़ार, तो सदर बाज़ार वॉज़ ऑल्सो नोन एज़ खाऊ गली, एंड इट वॉज़ प्रिटी पॉपुलर इन आगरा। तो अगर आप कभी भी आगरा आओ तो आप लोग ज़रूर खाऊ गली यानी कि सदर बाज़ार ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर जो महफिल लगी होती है ना वो आप लोगों को पूरे आगरा में नहीं दिखेगी। एंड
हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पर शाम के टाइम ही आए, बिकॉज़ जो महफिल सजी होती है वो शाम के टाइम ही होती है। टू ऑल द फूड लवर्स जिन्हें फूड पसंद है, खाना पसंद है, तो वो ज़रूर आए इस खाओ गली में, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चीज़ें हैं, जैसे कि चाट हो गया। तो ये है आगरा चाट हाउस, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी, पापड़ी चाट, पानी पूरी, बहुत सारी चीज़ें, और अफोर्डेबल ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वेराइटीज़ भी मिल जाएगी खाने की, चाइनीज़, डोसा वगैरह, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल हियर। तो अगर आप लोग फूड लवर हो या आप लोग को अच्छा खाना है तो आप लोग ज़रूर आए। यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं रबड़ी कुल्फ़ी, विच इज़ वेरी 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 टेस्टी। तो इसका नाम था किशन कुल्फ़ी। सो मैनी चप्पल, खाओ गली के बाहर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे शॉपिंग स्पॉट्स दिख जाएंगे। वैसे आगरा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर लेदर शूज़ एंड पेठा, तो आप लोग अगर आए तो लेदर शूज़ ज़रूर एक्सप्लोर करें। और बाहर जो आउटसाइड दुकानें हैं वो सारी शूज़ वगैरह की ही होती है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग डे वन ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलते हैं डे टू में, जहाँ पर मैंने बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर की है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।